सामने आई। मध्य प्रदेश सरकार की तानाशाही, मुस्लिमों की जान जाने वाले मुद्दे पर फिल्म बनाने की मांग करने वाले आईएएस अफसर नियाज खान को भेजा गया नोटिस। द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायकों ने बाधित किया एलजी का अभिभाषण, राजधानी में भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की उठा रहे। योगी आदित्यनाथ की बड़ी मुश्किलें, यूपी के मऊ कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने को लेकर जारी किया नोटिस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दिया चैलेंज, केजरीवाल बोले एमसीडी चुनाव टाइम पर करवा कर जीत कर दिखाओ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, हैदराबाद में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। फिर बिगड़ी राजद सुप्रीमो की तबीयत, दिल्ली एयरपोर्ट से ही वापस लाए गए एम्स, इमरजेंसी वार्ड में फिर किया गया। एम्स पर आरजेडी एमएलए ने लगाया बड़ा आरोप, विधायक भाई वीरेंद्र बोले बीजेपी के दबाव में एम्स ने लालू यादव को भर्ती करने से किया था मना, बीती शाम लालू यादव को एम्स के इमरजेंसी में किया गया था। उत्तराखंड में आज शपथ ग्रहण समारोह, प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। तालिबान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचे दानिश सिद्दीकी के माता पिता, लगाए यातना के आरोप, 38 वर्षीय पत्रकार की बीते साल रिपोर्टिंग के दौरान अफगानिस्तान में चली गई थी जान। लगातार घट रहे कोरोना के मामले, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,778 नए मामले आए सामने।